एपीटीवी भारत आवाज देश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में महिलाओं को उनके मुश्किल दिनों के संबंध में जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पूरे देश में पैडमैन अक्षय कुमार के साथ लखनऊ से शुरू होकर 400 से ज्यादा शहरों में एक साथ संपन्न हुई। सुलेखा खान अध्यक्षता में योगिता अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई। महवारी के समय उचित साफ सफाई की अज्ञानता की वजह से अभी भी महिलाएं संक्रामक रोगों से ग्रसित होती हैं। कार्यक्रम का संचालन जेसी शिवाली अग्रवाल द्वारा किया गया। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस पे हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। वैसे तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, पर निचले स्तर की जो महिलाएं हैं वो अपने पीरियड्स को अभी भी कहीं ना कहीं अभिशाप मानती हैं। समाज में उसके प्रति एक गलत धारणा है कि महिलाओं का जब पीरियड्स होता है, महावारी होती है, तो उन दिनों में उनको टच नहीं करना, उन्हें किचन का सामान नहीं छूना या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिससे महिलाएँ रूबरू होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए है कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आइए। ये पंक्तियाँ उनको समर्पित करना चाहूँगी संपूर्ण नारी जगत को कि नारी है घर की रौनक, आन बान है नारी। नारी है घर की रौनक, आन बान है नारी। हर धर्म और मजहब की पहचान है नारी। नर के लिए दुआ है, वरदान है नारी। नर के लिए दुआ है, वरदान है नारी। नर गुल है अगर तो गुलिस्तान है नारी। एपीटीवी भारत के लिए झांसी से विवेक वर्मा की रिपोर्ट।